हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरी भंडार है और मैं आप लोगों को आज एक एक्सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमारे पास अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनको कैटेगराइज करना है पास के लिए, तो ये कल उसके कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो टेस्ट स्कोर हैं, जो टेस्ट वन एंड टेस्ट टू, तो उसमें से बेस्ट स्कोर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट ऑफ टू कैसे सेट करेंगे एंड ओवरऑल ग्रेडिंग दोनों के आधार पर कैसे करेंगे। अभी हमने कुछ नंबर ऑफ जॉइंट्स को दिया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी जहाँ पे 1000 और 20,000 10,000 इस तरीके से स्टूडेंट्स हैं, उनको एक साथ ग्रेड करने के लिए सब के लिए मैनुअली करना यूज करें, इसलिए इसका इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो हमें जहाँ हमें पता है कि फॉर्मूला यूज करने के लिए साइन देना होता है और हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, और जैसे कि हमें इस मास के बेस पे जो कि टेस्ट वन चेक करेंगे, चेक करते हैं कि मार्क्स 20 से ज़्यादा अगर है, यानी हम आउट ऑफ 50 ले रहे हैं, तो आउट ऑफ 50 का मतलब हो गया कि 40% से ज़्यादा अगर है तो ये स्टूडेंट पास में कंसिडर करेंगे। इसको हम प्लस ये टू स्टेटमेंट है, अगर 20 अगर ये सही नहीं है तो हम इसको इसे ब्रेक कर देंगे पास या फेल, तो ये हमने स्टेटमेंट दिया और इसको हम ब्रेक कर देंगे। मैनुअली वी कैन चेक टू बी 35 पास है और जिसका 20 से कम, तो हम एक ही बार में पास फेल का डिग्रीज हमने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं कि हमें दूसरा टेस्ट दिया और हम चेक करते हैं कि दोनों के बेस पे भी स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया हमने किया, या फिर हम बेस्ट ऑफ टू निकालने इसमें जिससे ज़्यादा अगर अच्छा है तो इसको हम देंगे, अगर इसमें अच्छा है अगर टेस्ट नहीं अच्छा तो बाकी उसके लिए भी रूम लगाएंगे, एक टेस्ट रूम लगाएंगे और दोनों में से किसी एक जिसको सेकेंड टेस्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये टेस्ट, और हम चेक करते हैं कि ये अगर बड़ा है, इसका मार्क्स अगर बड़ा है टेस्ट वन से, तो हम देंगे हम टेस्ट जो बड़ा है उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कौन सा आएगा जब, और इसको हम इसको ड्रैग कर लेंगे और हम इसे देख सकते हैं कि उन दोनों में से जो भी बड़ा यानी कि जो भी अच्छा मार्क्स से टेस्ट वन और टेस्ट टू में से लेकर आया उसको इसमें सेलेक्ट कर लिया। सर इसमें सेकंड टेस्ट में 38 है, इसमें 30 है, पहले वाले में 30 होगा, इसका में 41, इस तरीके से। अब फाइनल ग्रेड की बात करते हैं कि हम बेस्ट इसमें से ग्रेड हम करते हैं, लाइक 90% से ऊपर आया तो ग्रेड ए प्लस पे, 90% है तो ग्रेड ए, 70% है तो ग्रेड बी, इस तरीके से। हमने क्या किया, अगेन वही एक का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू साइन के बाद, इक्वल टू साइन के बाद इफ, और इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, अगर ये वैल्यू 45 से बड़ी है तो ये प्लस ग्रेड होगा, अदरवाइज अगर ये 40 से बड़ी है तो फिर ए होगा, अदरवाइज अगेन 35 से बड़ी है तो बी ग्रेड होगा, अदरवाइज 30 से बड़ा तो सी होगा, सिमिलर टू 25 से बड़ा होगा तो डी ग्रेड होगा और 20 से बड़ा होगा तो ई ग्रेड होगा, बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो ए होगा। सो दिस वन दिस वन लगा हमने और इसको ड्रैग किया तो थ्रू आउट द कॉलम और हमने फाइंड आउट किया किसी भी एग्जांपल के लिए ये इसका 23 ग्रेड है, 23 मार्क्स है मतलब ई ग्रेड है, यानी कि 20 से ज़्यादा, लेकिन अगर हम 20 से कम वाले को 9 में देखें तो 20 से इंक्रीज कर ये फेल कर देंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट 20 रखा है तो 20 से बड़े वाले को ये ई लेगा, यानी 20 और 20 से बड़ा, अगर हम यहाँ पे 19 करें तो अब इसको ये 20 को ई लेगा 20 से छोटे वाले, तो इस तरीके से हम किसी भी स्टूडेंट्स के लिस्ट को हम इजिली पास फेल में ग्रेज कर सकते हैं, हम ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट का यूज करके, और बेस्ट ऑफ टू बेस्ट ऑफ थ्री को
भी हम कमेंट कर सकते हैं। एक यूज करते हैं वेरी सिंपल है, जो कि आपके स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए काफी यूजफुल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझना। धन्यवाद। आप तो अगर पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप मुझे कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम आ रही है समझ में तो मेल कर।